नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए रूस सहमत। रूस की ओर से यूक्रेन पर शुरू किए गए हमलों को अब 10 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद यूक्रेन के कई शहर अब भी रूसी सेना के नियंत्रण से बाहर हैं। अब अमेरिका और नाटो के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यूक्रेन पर अपना कब्जा जमाने के लिए रूस तब तक बम बरसाएगा जब तक सभी शहर खुद आत्मसमर्पण नहीं कर देते। अफसरों ने कहा है कि रूस के हवाई हमलों की वजह से आने वाले दिनों में आम नागरिकों के मारे जाने का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले नाटो ने खुद यूक्रेन के हवाई मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इंकार कर दिया था। इस पर जेलेंस्की की नाराजगी देखने को मिली थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि यह बैठक शाम 4:30 बजे होगी। युद्ध के 10वें दिन में रूस आक्रामक नजर आ रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने पूर्वी यूक्रेन पर ड्रोन से अटैक कर आइडर बटालियन पोस्ट को तबाह कर दिया है। पर यहां राहत की बात यह है कि रूस भारतीय छात्रों और अन्य विदेशी नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए तैयार हो गया है। रूसी राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस बात की जानकारी दी।